हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे डॉटेड मंडाला। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कैसेट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो MDF बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ बेस बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक अक्रेलिक पेंट लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप मंडाला बनाएं तो एक ग्राफ ज़रूर बनाएं। इससे हमारे डॉटेड अच्छे से क्रिएट होते हैं। जहाँ हमें बनाना है वहाँ अच्छे से डॉट लग जाते हैं। मैं यहाँ पर मंडाला बनाने के लिए मंडाला डॉटेड टूल्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तो भी आप घर की चीज़ों से इनको बना सकते हैं। जैसे पेंसिल के बैक एरिया का यूज़ कर सकते हैं, छोटे डॉटेड्स के लिए आप पेन की निप का यूज़ कर सकते हैं। बड़ा हैवी डॉट चाहिए आपको तो आप मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। मीडियम डॉट चाहिए तो स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं जिनका यूज़ करके हम डॉटेड मंडाला बना सकते हैं। अगर आपको डॉटेड मंडाला टूल्स चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे, अराउंड 300 के आसपास ये हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, मैंने इसे डायरेक्ट अप्लाई किया है। आप भी इसे डायरेक्ट अप्लाई करें, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आप पानी इसमें मिला देंगे तो ये बाद में सूखने के बाद इनके कलर ही बिल्कुल अलग ही डल हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। वीडियो में ये जितनी स्पीड से बन रहा है इतनी स्पीड से एक्चुअली में नहीं बनता है, क्योंकि वीडियो तो हम एडिट करते हैं और ये मैंने 4x की स्पीड से एडिट कर रखी है, इसलिए लग रहा है कि बहुत ही फटाफट बन जाता है। बट मेरे अंदर भी यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की कमी रही। आप ऐसा मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसको सूखने भी नहीं दिया और वाइट डॉटेड्स लगाने लगी, तो जिसकी वजह से ये मेरे हाथों पे भी थोड़े से कलर लगते जा रहे थे, मेरी टेबल पर लग रहे थे, कुछ डॉटेड्स मेरे ख़राब भी हो गए थे थोड़े थोड़े, तो मैंने उनको बाद में ठीक किया था। तो आप इसको पहले सूख जाने दें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई कीजिए। आप इसको दिया बेस्ड के यूज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में दिया जला के रख लीजिए, किसी भी डेकोरेटिव चीज़ के लिए भी घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी ही क्रिएटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।